सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज वाली वीडियो में भी हम लोग खेलने जा रहे हैं अपनी मारी एसएमपी। सो जैसे कि आप लोगों ने प्रीवियस एपिसोड में देखा कि मैंने रॉयल्टी से अपना रेवेंज ले लिया था, तो अभी यार आप लोग देख सकते हो दोनों सर्वर के अंदर है। पता नहीं यार क्या ही कर रहे होंगे। तो ओ एक सेकेंड, युग भाई, युग को आईपी किसने दी? एक सेकेंड, हेलो, मेरी आवाज आ रही है हाँ, ये युग को आईपी किसने दी? भाई? कुनाल क्यों करता है यार, प्लीज मैंने नहीं मत कर। दी। हेलो, ये युग को आईपी किसने दी? मैंने तो नहीं दी। और भाई डीआर के नहीं दी होगी यार, पक्का मैं बता अरे रहा हूँ। पागल हो क्या यार, मैं क्यों दूंगा भाई? रॉयल्टी नहीं दी यार, मैं बता रहा हूँ। मैंने नहीं दी भाई। भाई ये अब आदि, अभी आदि को भी बुला लिया भाई, ये क्या कर रहे हो भाई? मैंने किसी को नहीं बुलाया, आई स्वेयर। रॉयल्टी इसको वीसी में बुलाएं क्या एक बार? युग को एक सेकंड, इसको वीसी में बुलाते हैं। गाइज एक बार इनका हम लोग वीसी में आने का इंतजार करते हैं। हेलो, एसएमपी में कैसे आए तुम लोग? कैसे बनते हो यार, हमें बुला तो भी नहीं हो, बुलाते भी नहीं भाई। तो इसका मतलब, भाई तो इसका मतलब तुम अपने आप आ जाओगे? दोस्ती अपनी, 4 साल की दोस्ती अपनी भूल भी गए? ये कैसे दोस्ती है भाई, बिना बुलाए आ गए यार। हम तुमको बुलाने वाले थे भाई, तुम हमें क्यों नहीं बुलाते यार? हम वेले ही तो बैठे थे, इसलिए तो नहीं बुलाया भाई, हम बुलाने वाले थे भाई। तो यार अब ऐसा तो क्यों करते हो यार? अब चलो हम आ गए तो चलो खेलते हैं साथ में। भाई इधर खेलने वाला माहौल तो बिल्कुल नहीं है, मैं पहले ही बता रहा हूँ। यहाँ पे सब कुछ उल्टा पुल्टा होके रखा है, ये रॉयल्टी के वजह से, ये इन दोनों बंदों की वजह से। और डीआरके तो भाई चुप ही रहे, इसी के वजह से सब कुछ हो रहा है। एक सेकंड, मतलब मामला है क्या यहाँ पे? मामला कुछ है ही नहीं, मामला बिल्कुल उल्टा पुल्टा हो रखा है इधर पे। बहुत जैसा जैसा तुम सोच रहे हो ना, वैसे ही मैंने भी स्टार्टिंग में सोचा था, लेकिन वैसा अभी कुछ भी नहीं है इधर पे। और तेरे को आईपी कहाँ से मिली? वो सब बात की बात है, पर ये मेरे को ये बताओ कि मतलब डीआरके और रॉयल्टी ने कुडाल के साथ बहुत अत्याचार किए? बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं भाई, हाथ लिया है हमने भाई। तो वो तो भाई ये दोनों नूब है, इसलिए मैंने इनका एक हार्ट ले लिया है रॉयल्टी का। एक सेकंड, हार्ट? ये हार्ट का मतलब कह रहा क्या चाह रहे हो भाई? लाइफ स्टील है ये है? हाँ सही में, हाँ भाई। और भाई मैंने इनसे अपना हार्ट बचा के रखा है इतने दिनों से। मतलब तुम्हारे पास कितने हार्ट है? वो मेरा है। मेरे पास अभी 11 हार्ट है, और पिछली बार इसने मेरे को कल पता नहीं कैसे कभी भी सरप्राइजली बिल्कुल अटैक कर लिया था, और इसने मेरा एक हार्ट ले लिया था। वो मेरा हार्ट था, ठीक है, ज्यादा मत बोल तू अभी। हाँ तो मैंने भी ले लिया ना हार्ट। मतलब अभी सबसे ज्यादा हार्ट किसके पास है सर्वर में? मेरे पास है, मेरे पास भी एक एक्स्ट्रा हार्ट है। और मैं चाहूँ ना युग को मार के हार्ट लिख सकता हूँ। भाई मैं तो नहीं मारूंगा युग को यार, फालतू में। भाई किस्मत का हार्ट यार, मैंने क्या कुछ जुर्म किया है यहाँ पे सर्वर में आके? भाई अब तो तुम जैसा सोच रहे हो ना, यहाँ पे पीस हो रहा है, पीस यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। मेरे पास 9 हार्ट है, कुणाल के पास 11 हार्ट है, ठीक है भाई। कल इसने मेरे को पता नहीं सडनली अटैक कर दिया था, बिना मतलब कि मैंने आर्मर भी नहीं पहना था। नहीं करना चाहिए यार, बेचारे कुणाल ने तुम्हारा क्या ही बिगाड़ा है भाई। स्टार्टिंग में बेफालतू के एलिगेशंस पहले कि मैंने लाइटर चुराया है। सुनो भाई, तुम सुनो, सबसे पहले मैंने कुणाल को बोल दिया सब कुछ शॉर्ट हो चुका है, डीआरके भी मतलब सब कुछ हो चुका है, डीआरके ने मैं लाइटर चुराया, मतलब सब कुछ मतलब बातचीत हो चुकी है, बट कुणाल को तो रहना नहीं है, उसको फाइटिंग करनी है। मेरा हार्ट ले लिया उसने। एक सेकंड कुणाल, तुम चुप रहो, ये रॉयल्टी को समझा रहे तो सारा मामला। हाँ बता रॉयल्टी। देख ऐसा हुआ था कि मेरा फर्स्ट डे मैंने कुणाल को इनवाइट किया एसएमपी में, मैं तुम लोगों को भी करने वाला था, ठीक है। और मेरे को पता चला कि कुणाल ने मेरा इलेक्ट्रो चलाया, जो कि उसने नहीं चुराया। उसके कुछ दिन बाद हमारी फाइटिंग वगैरह हुई, मैंने एक कुणाल का एक हार्ट लिया, उसके बाद कुणाल ने मेरा एक हार्ट लिया, और उसके बाद डीआरके आया। डीआरके की एंट्री हुई, उसके बाद डीआरके ने बोला कि मैंने इलेक्ट्रा चुराया, ऐसे 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 करके बताया उसने। देन अच्छा। मैंने कुणाल को बोल दिया कि हम पीस करके रह सकते भाई, फिर डीआरके भड़काने लगा, इसने बोला कि डीआरके ने बोला चलो हम दोनों मिलके कुणाल की बैंड बजाते हैं। डीआरके भैया आपको ऐसा करने की क्या जरूरत? नहीं सुनो सुनो, ये भड़का रहा है और ये भड़क भी गया भाई। डीआरके वो रीजन तेरे को भी बताना पड़ेगा, क्योंकि क्यों तेरे को कुणाल से रिवेंज लेना है, अब तेरे को रीजन बताना पड़ेगा। जब ये कुणाल भाई और आपकी लड़ाई हुई थी ना रॉयल्टी की, जब ना मेरे वहाँ पे एक अंडरग्राउंड बेस था, ओके, सो वहाँ पे मैंने अपना पैड बांध रखा था, एक घोड़ा, ओके, सॉरी पिगी नाम उसका, घोड़ा रख रखा था मैंने, नाम पे मत जाना, ठीक है। तो फिर मैंने उसको रख रखा था, तो कुणाल भाई ने खाने के लिए उसको मार दिया था, उनके पास खाना कम था। तो भाई मेरे को कहाँ पता था फिर? तो भाई भाई मुझे बाद में पता चला ना, आपको वो पड़ा हुआ था एक निशानी। भाई युग सुनो, अगर तुमको सामने एक पिगी दिखे तो तुम मारोगे ही ना? हाँ, तुम मारूंगा। अगर वो अंडरग्राउंड
तभी मारोगे। मैंने बात तभी भी मारूंगा रख रखा था, बट इन्होंने मार के चले गए थे और मैं इनके पीछे पीछे यहाँ पे आया, तो इन दोनों की लड़ाई चल रही। अगर अगर उसके ऊपर नेम टैग दिखे तभी भी मारोगे। हाँ मैं बताओ जरा, मतलब भाई पालतू था, पालतू बनाता है यार, सुअर को कौन पालता है यार, सुअर को कौन पालता है भाई। तो भाई अब ये कोई बात थोड़ी ना होती, सुअर को कौन पालता है। एक सेकंड, मैं थोड़ी देर के लिए जा रहा हूँ, मैं बाद में आता हूँ। हेलो आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही है, बोलो। अच्छा कुणाल, मैंने तुम्हें अभी पर्सनल में कॉल किया, आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही है, बोलो। मैं कह रहा हूँ कि यार ये मामला तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं तुम्हारी मदद करूँ। भाई मैं भी तो वही बोल रहा हूँ, अब आदि का नहीं पता यार, वो पता नहीं अब उसको किसकी बातें सही लगे। शायद से मेरे हिसाब से आदि को हमारी बातें तो सही नहीं लगेगी। हाँ। तो हमें अभी आदि को इस बारे में नहीं बताना चाहिए कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। और एक सेकंड भाई, ऑब्सीडियन का क्या बना रखा है, ये कासल है क्या भाई? इन लोगों ने रात भर बैठ के पता नहीं क्या बना दिया ये। भाई क्या क्या बवासीर है भाई, ये तो बहुत अत्याचार हुआ यार तुम्हारे साथ। वही तो, ऊपर से मैं इधर पे एक छोटा सा बेस बना के रह रहा हूँ, बेस भी नहीं बिल्कुल, कॉबलस्टोन की गुफा बना के उसके अंदर रह रहा हूँ भाई मैं। चलो तो फिर मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, तो अभी चलो उनके साथ वीसी चलते हैं, पर ऐसा नहीं बता रहा कि मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। हाँ ठीक है ठीक है। अरे आदि यार तो बताओ अब हमें क्या करना चाहिए। भाई देखो मेरा तो पक्का है, मैं रॉयल्टी और डीआरके के साथ जा रहा, अब तुम अपना देख लो। भाई पता था मेरे को, देखो यार डीआरके और रॉयल्टी भाई तुमने बहुत बुरा किया कुणाल के साथ। युग तो सुन ले भाई, गलत करा है भाई। पहले पूरी बात समझो फिर उसके बाद भाई, पहले हमने कुछ गलत नहीं करा है, बातों में मत पड़ ठीक है। मैं तेरे को अभी भी बोल रहा हूँ युग, तेरे पास चांस आने वाला है। हम बोल रहे हैं भाई, हम पहले भाई धमकी क्या दे रहे हो, धमकी क्या दे रहे हो भाई? तुम्हारे पास पैसा और पावर है, तुम्हारे पास पैसा और पावर है, मतलब तुम मेरे को खरीद लोगे कुणाल से? खरीदने की बात नहीं कर रहे कि फिर तुम कहोगे ना कि हम मैं गलत निकला, फिर उसके बाद आओगे हमारी टीम में, तो हम नहीं लेने वाले। मैं बोल रहा हूँ युग, मैं तेरे को समझा रहा हूँ, कुणाल बहुत ही गंदा आदमी है, बोल रहा हूँ मेरी टीम में। तुम तो बहुत अच्छे हो भाई, पीछे से कायरों की तरह वार कर रहे हो मेरे पे। वो मेरा मतलब, तो भाई ऐसे ये कौन सा हक होता है, मतलब मैंने आर्मर तक नहीं पहना था। हाँ तो भाई मैंने तो बोला भी था कि मेरे को हार्ट दे दे, लेकिन तूने मना किया दिया साफ साफ, तो मैं ऐसे ही करूंगा ना, मेरा हार्ट था। तो भाई तुम मेरे को वैसे भी मारने ही वाले थे, तो मैं क्यों दूं? एक तो वैसे ही तुम दोनों हो। मेरी बात सुनो, मैं अभी कुणाल के साथ जा रहा हूँ, मैं नहीं जानता कि ये डीआरके और रॉयल्टी कितना भी झूठ मेरे साथ बोल ले, मैं कुणाल तेरे साथ आ रहा हूँ, तुम दोनों जाओ भाड़ में रॉयल्टी और डीआरके। सही है भाई सही है, करण अर्जुन बनो तुम भाई। हां भाई बनो, अब तुम देखते जाओ। और आदि प्लेस तूने जो स्कैम किया ना मेरे साथ भाई, देख लिया मैंने भाई, इसको भी पता नहीं चल रहा कि गलत किया है, इसको भी पता नहीं उन्हीं की मेरी गलती पता नहीं क्यों दिख रही है। तू अभी भी फंस रहा है कुणाल के साथ, अभी भी तेरे पे मौका आ सकता है हमारे साथ। नहीं आना मेरे को तुम लोगों के पास, ठीक है? हम लेंगे भी नहीं बात। हाँ मेरे को आना भी नहीं है, क्या लोगे तुम? हाँ फाइनल ठीक है, बस तैयार रहना भाई, तुम तैयार रहना भाई, जब मैं तुम दोनों को आराम से मार सकता हूँ। राज तिलक की तैयारी करो, अभी हार्ट लेने आ रहे हैं रॉयल्टी भाई का। भाई जल्दी, तीन नूबो की टोली आ रही है लेने के अभी। देखो सुनो, अब तो युग के पास कुछ आर्मर वगैरह कुछ नहीं होगा, तो मेरे पास एक एक्स्ट्रा आर्मर पड़ा है जो कि मैं दे दूंगा इस सर को, आई मीन आदि भाई को दे दो। अब लाओ ठीक है भाई, जल्दी भाई युग, ये तो गलत हो रहा है। चलो भाई वही यार, कुणाल एक सेकंड वीसी पे आओ। ओके तो यार कुणाल मैं यहाँ पे आ चुका हूँ तुम्हारे पास, और ये कहाँ पे रह रहे हो यार, तुम ये कैसी सी जगह है भाई? क्या यार, तभी तो मैं उनको बोल रहे लोग यार, दो बंदे होने का फायदा उठा रहे हैं, देख लो। कुणाल मैं एक बार ऊपर चेक करके आया कि आसपास कोई बंदे तो नहीं है ना, ताकि हम यहाँ पे आराम से बच सके। मैं एक बार यहाँ पे चेक कर लेता हूँ कि भाई देख लो, वैसे आया तो नहीं है ना, मैं 100-200 ब्लॉक तो दूरी आया हूँ वैसे, मतलब इतना कुछ डरने की बात नहीं है। अच्छा ये तो ठीक है, तो चलो मैं तुम्हें ट्राइडेंट दे रहा हूँ, पर यार तुम्हारे पास कोई सामान रहेगा जिससे मैं स्टार्टिंग में रख सकूँ? नहीं देखो मैंने ऑफलाइन थोड़ा सा ग्राइंडिंग करा है, तो तुम्हारे पे एक डायमंड का आर्मर बना सकते हैं हम लोग। ये देखो कितने डायमंड्स है तुम्हारे पास। मेरे पास 36 टूल्स भी बना लेना ना। अरे वाह यहाँ पे तुम्हारे पास डायमंड की पिकैक्स भी है, ऑब्सीडियन भी है, भाई साहब क्या क्या रखते हो तुम भाई? ये उन्हीं के यहाँ से तो चुरा के लाया था मैं। सही है। ओ भाई साहब यहाँ पे तो लेदर भी है थोड़ा। भाई यार तुम्हारे पास कितना सारा सामान है यहाँ पे, पिकैक्स वगैरह। अरे ये लो भाई ये लो, बस यार उनके पास मैक्स आर्मर है यार, सो क्या ही कर सकते हैं, बट चलो कोई बात नहीं यार, हम लोग तो प्रो हैं। दे सकते हो तगड़े वाले? तगड़े वाले तो नहीं है मेरे पास। कोई बात नहीं, मेरे पास थोड़े से डायमंड है, मैं बनाता हूँ। हाँ बना लो, शील्ड बना लेंगे, शील्ड। हाँ बना सकते, मेरे पास शील्ड के लिए आयरन नहीं है।
डायमंड से नहीं होता भाई। अरे आयरन है मेरे पास, इस सिर्फ फेक ही है, मैं मेरी बना लूंगा। हाँ बना लो बना लो। ठीक है चलो, तो मैं मेरी एक शील्ड बना लेता हूँ। चलो मैं स्टैक अप तो हूँ, मैं उन्हें तगड़ा वाला पछाड़ तो सकता हूँ शायद से। कम से कम दो हिट में तो नहीं मरोगे। वैसे उनमें से किसी के पास फायर रिस्पेक्ट है? फायर रिस्पेक्ट भाई सबकी स्क्वाड में है भाई। यार तो मेरी गई यार, बट कोई बात नहीं, चलो फिर भी लड़ लेंगे। ये डायमंड्स का रिश्वत दे दे उनको। नहीं भाई ऐसा नहीं करना है, ऐसा तो नहीं कर रहा है। तो कुणाल मैं कह रहा कि यार थैंक यू यार तुम्हारे ट्राइडेंट और इतना सामान देने के लिए। थैंक यू तो मेरे को बोलना चाहिए भाई, तुम आ गए। मेरे को ऐसा लग नहीं रहा था तुम आओगे, क्योंकि मेरी जो गलती है ना वो है नहीं, मतलब थोड़ा लोगों को समझने में टाइम लगेगा। अरे क्या करे, हम तो है ही पैदाइश के बिन बुलाए मेहमान, कभी भी आ जाते भाई यार। वैसे तो मेरे मम्मी पापा ने भी मेरे को नहीं बुलाया था, पर मैं आ गया ना। चलो फिर उनकी बैंड बजाते हैं। चलो थोड़ा सा खाना है। खाना हाँ है, ये लो। नहीं मेरे पास पड़ा है वैसे, पर दे दो फिर भी। अरे भाई साहब ये हुई ना बात कुणाल वाली। और एक और चीज तुमको पता है, मतलब यहाँ पे टोटम अगर होगा फिर भी तुम्हारे घाट जाएगा, तो टोटम के सारे मत रहना। अच्छा ऐसा है, ठीक है समझ गया मैं। तो चलो अभी मेरे पास एक आइडिया है, हम आराम से ना स्नीक होके चलते हैं एंड अंडरग्राउंड से ना उनके ऑब्सीडियन वॉल के अंदर से अटैक करते हैं। अरे रुको सुनो सुनो, मेरे को पता है कहाँ पे है वो। सीधा चलना है हम लोगों को, उनका कासल दिखेगा। अच्छा ठीक है, एकदम बकवास बनाया, मतलब अभी से क्राउच करने की जरूरत नहीं है। हाँ वो तो मुझे भी पता है, तो मैं कह रहा कि बाद में वहाँ पे जाएंगे, क्राउच करेंगे एंड जितना हो सके उनका नुकसान करेंगे। हाँ देखना भाई मर मत जाना, क्योंकि अगर उनके पास अगर एक हार्ट आ गया तो उनके पास और एडवांटेज आ जाएगा। हाँ भाई बात तो है ये, हम उनको देंगे नहीं ना, हम भी कम है के भाई। वैसे भी रॉयल्टी के पास कम हार्ट है, तो उससे डरने की जरूरत नहीं है। हाँ तो मेरा टारगेट तो रॉयल्टी है। ठीक है ओके, तो यहाँ पे अब चलते हैं एंड भाई साहब ये बारा रेवेल जी। ओके यहाँ पे तो ओशर आ गया भाई, कहाँ पे है उनका कासल? अरे इस साइड को है शायद। चलो अच्छा ठीक है, तो चलो चलते हैं फटाफट से। चलो चलो। अच्छा कुणाल मैं क्या कह रहा हूँ, हम ये कासल के पास तो आ चुके हैं, तो अभी हम क्राउच होके चलते हैं ठीक है, और नीचे से अपने खुदाई करके जाएंगे। उनको दिख रहा है क्या कासल वाली? अच्छा मैंने अपने चंक्स कम रखे हैं। हाँ चलो यहाँ से चलते हैं। पिकैक्स नहीं है ना तुम्हारे पास? नहीं नहीं मेरे पास एक पिकैक्स है, तो मेरा काम चल जाएगा। चलो मेरे पास एफिशिएंसी वाली आ जाओ, या फिर एक काम करो तुम ले ले वाली पिकैक्स, ये लो। हाँ दे दो, मैं खुदाई करता हूँ, जेसीबी की खुदाई में मेरे को लिया गया था। ये लो मेरे को नॉर्मल पिकैक्स दे दो। ये लो डायमंड की। अरे कैसे ड्रॉप करते हैं, क्यों से करते हैं, वो क्या है ना बगमी ज्यादा खेला है मैंने। अच्छा अरे यार वो युग वगैरह कहाँ है यार, वो आ नहीं रहे हो यार। युग अब स्टार्ट करने की वजह से। अरे यार अब बोलो बोलो लड़ी भाई, युग कहाँ है यार? भाई है कहाँ वो लोग यार? भाई वो भाग के, मेरे को लगता है वैसे तो ये सब बात तो सही कर रहे हैं, बट ना वो डरपोक है, कहाँ आएंगे यार यहाँ पे। अच्छा आदि तेरे पे प्लीज भी कोई इधर आ मेरे पीछे, तेरे पे मेरे नाम सुनते ही इधर आदि पीछे, आदि पीछे कहाँ पे एस्केप करने के लिए एक जगह है ठीक है, मैं तेरे को बताता हूँ। अगर तू इनको बता, उनको पूरा बता दो कि कहाँ से कैसे निकल सकते एस्केप करने के लिए। आजा तू नीचे ही है, मुझे ही बताता यार मैं भूल गया। अबे यार हाँ मेरे पीछे आओ, अगर तुमको एस्केप करना है ना, अगर तुम्हारा ट्राइडेंट काम ना करे तो तुम इधर आ जाना। देखो इधर एक कोने में एक वोटर है ठीक है। सॉरी अबे यार अच्छा उधर मैं तेरे को डीआर के बाबू को वो समझाता हूं। सॉरी इधर हां बताओ, इधर आके ट्राइडेंट यूज करके, अगर ट्राइडेंट नहीं भी है ना तो तुम स्विम करके चला जाना। इधर एक एस्केप करने का रास्ता है, टनल किसी को पता तो नहीं है उन दोनों में से, किसी को पता नहीं है। सॉरी 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 वापस चले जाओ, हमको पैरा देना वो वापस चले जाओ, वो आए नहीं हो मतलब समझ पा रहे हो ना। अच्छा आदि बाय द वे मेरे पास एक स्ट्रेंथ 2 का पोशन है। कितने पोशन है, एक या दो? एक ही हां भाई, तीनों एक साथ हो जाएंगे तो। क्या नाम है, फ्लैश पोशन है क्या? हां हां तो अपन तीनों एक साथ लेंगे जब लोग वो लोग दिखेंगे। ओके रॉयल्टी भाई, रॉयल्टी भाई मुझे एक वाटर बकेट देना, आयरन होगा आपके पास देना। आयरन नहीं है यार इन्वेंटरी में, कुछ नहीं है। एक मिनट में माइन करके आ जाऊं बाहर से। आ मत जा अभी, अभी मत जा भाई, अभी मत जा, अभी कुछ भी हो सकता है। अरे नहीं हां यार वो लोग आ जाए तो। अच्छा चलो ठीक है, वैसे मैं आपको पता नहीं है कि हमने बहुत मेहनत से बना रखा है ऑब्सीडियन का, नीचे भी ऑब्सीडियन लगा रखा है हमने।
भाई भाई इसलिए तीन घंटे हम लगे भाई, 3 घंटे की मेहनत है भाई ये सब। आधा घंटा आधा आधा करा है हम दोनों ने कि आधा घंटा ये करेंगे आधा घंटा मैं करेंगे। कुणाल का नहीं था बेस, तुम दोनों को ही थर्ड पार्टी। हां यार मेरा हमने ही बनाया भाई, वो बोला था कि हम मैं ले लूंगा तुम्हारा बेस यार से, मेरा कैसे लेगा भाई भाई। तीनों एक साइड आ गए, वो उस साइड थी। ओए हां भाई तीनों एक साइड मत आओ यार। हां भाई तो हर एक जगह पे चौकन्ना रहो, मेरे को तो लग रहा है विलेज की साइड से आई है वो लोग, क्योंकि विलेज है ना उधर, हो सकता है क्योंकि हम विलेज में स्पॉन हुए थे जब युग और मैं, युग ने मुझे बुलाया। हां यार वो आ ही नहीं सकते भाई। ओ भाई तो यार पता है मतलब जो ग्रास के नीचे ना वो भी ऑब्सीडियन ही है। लॉल भाई कितनी लेयर है थे ऑब्सीडियन की। 1 सेकंड 1 मिनट यहां पे किसके नेम टैग दिख रहा है? हां कहां पे कहां पे कहां पे ओ हो गया शिट। नहीं भाई यू आओ भाई, ये लोग वीसी में कैसे आए, कैसे आए, हिम्मत कैसे हुई भाई आने की? ऊपर है ऊपर है, ओ कुणाल है इधर, मेरे को स्ट्रेंथ का पोशन लेने दो। आ जा सारा इधर आ, काय 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 यू मेरे सामने भाग रहा है। ओ कुणाल 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 मारो 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 इसे मारो ऊपर आ जा। अरे मैं नीचे क्यों करता हूं डीआर के बाबू के नशे। मारो कुणाल को मारो कुणाल। अब ओ नहीं 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 मैं गया नहीं 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 कहां पे यू भाई, युग जल्दी भाई युग को संभालो, मैं कुणाल को संभालो भाई। गया जी भाई, इसे फिर एमएलजी कर लिया जी, कितना प्रो है। नहीं 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 मैं गया, ये युग मैं गया भाई, ये पानी हटाया मैंने भाई, गया मैं भी आता हूं रुक तेरे भाई, तू मत मार मारूंगा इसको भाई। युग मैं गया नहीं भाई, ये मैं गोल्डन एप्पल पे सेट नहीं कर पा रहा हूं हाथ। नहीं 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 रॉयल्टी नहीं, अभी नहीं अभी नहीं, बाद में भाई क्या कर रहे हो। अरे सॉरी मैं को लगा भाई भाई युग आ गया भाई। नहीं नहीं मर गया, अब युग को बता दे भाई, युग मरना नहीं, टीएनटी फोड़ा बेचा भी तो टीएनटी फोड़ तुमने भी। युग 1 सेकंड। तो गाइस जी यार जैसे कि आप लोगों ने देखा यार, मतलब अभी आप लोग देख सकते हो युग वगैरह वो भी लड़ रहा है, लेकिन अभी मैं नहीं जा सकता यार क्योंकि वो लोग मेरे को फिर से मार देंगे। इससे मैं तो युग को बोल ही रहा हूँ कि अभी भी आ जाए, लेकिन अभी वो युग आ नहीं रहा, पता नहीं यार क्या है। तो गाइस आज वाली वीडियो के लिए इतना ही, एंड आज यार बहुत दिनों बाद इस एसएमपी में सैड एंडिंग हो रही है, तो आज की इस वाली वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, एंड डिस्कॉर्ड को भी ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो तब तक के लिए बाय बाय।